नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एपेक्स इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ विषय गणित के टॉपिक बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान परिवर्तन हो, स्थिर नहीं हो। ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तन हो, स्थिर नहीं हो, उन्हें चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड पी टी आदि, ये राशियां चर राशियां कहलाती हैं। जैसे आपने एक्स की जगह यहाँ एक रखोगे तो एक मान लेगा, दो रखोगे तो दो, तीन रखोगे तीन, चार रखोगे तो चार, पाँच रखोगे तो पाँच। ये सारी राशियाँ अपना मान बदलती रहती हैं, इसलिए इन्हें चर राशि कहते हैं। अचर राशि ऐसी राशियां जिनका मान स्थिर हो, परिवर्तन नहीं हो। जैसे आपके एक है तो हमेशा एक रहने वाला है, दो है तो दो, तीन है तो तीन आदि, या बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब चर राशि और अचर राशि हो गया। चर और अचर मिलके क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक। तो परिभाषा क्या होगी? चर और अचर राशियों के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x प्लस पाँच, एक्स प्लस पाँच। देखो यहाँ पे x क्या है? चर। पाँच क्या है? अचर। चार एक्स माइनस छः, चार एक्स क्या है? चर। छः क्या है? अचर। इसी प्रकार तीन एक्स प्लस पाँच, तीन एक्स क्या है? चर। पाँच क्या है? अचर। इस प्रकार चर और अचर मिलके बनाते हैं बीजीय व्यंजक। एक बार इसको पूरा नोट कर दो। आपने पहले वाली डेफिनेशन नोट कर दी होगी। अब देखिए बहुपद। बहुपद तीन मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखो आप ध्यान से। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो पद होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अभी हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा था, चर राशि और अचर राशि दोनों मिलकर बनाते हैं बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। और इसमें उपस्थित चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसमें उपस्थित चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब बहुपद के उदाहरण देखो आप ध्यान से। अब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ ये धनात्मक या पूर्ण संख्या होनी, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे तीन एक्स प्लस पाँच, इसमें चर की घात कितनी है? एक। कैसी है? धनात्मक। यहाँ चर की घात एक, धनात्मक। यहाँ चर की घात दो, कैसी है? धनात्मक। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण और भी ले सकते हो। एक एग्जाम्पल करते हैं। जांच कीजिए वर्गमूल एक्स प्लस वन अपॉन वर्गमूल एक्स बहुपद है या नहीं। इसको चेक करना कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हमेशा बहुपद को चेक करने के लिए सर्वप्रथम हम बहुपद की घात के बारे में जानेंगे। तो यहाँ बहुपद की घात देखो, यह एक्स की पावर एक बटा दो, वन अपॉन यह एक्स की पावर एक बटा दो। घाता का सूत्र होता है, अगर कोई घात भाग में होती है उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x की पावर एक बटा दो ऐसा का ऐसा, ये ऊपर पहुंच जाएगी तो x की पावर हो जाएगी माइनस का एक बटा दो। अब देखो यहाँ पे चर की पावर क्या है? एक बटा दो। यहाँ पे चर की पावर क्या है? माइनस एक बटा दो। तो चर की घात कैसी है? ऋणात्मक है। अतः वर्गमूल x अपॉन वन बटे वर्गमूल x बहुपद नहीं है। इसी तरह आपको एक और होमवर्क देता हूं मैं। किसने एक जांच कीजिए y प्लस वन बटे वाई बहुपद है या नहीं, यह आपको चेक करना है। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहुँचे।